गाइस, इट्स शिवांगी, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं क्रिसमस थीम से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने जा रही हूँ एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो में मैं जो घर पे हमारा वेस्ट मटेरियल नहीं होता, आई एम श्योर आप लोगों के घर पे भी होता होगा, उसको यूटिलाइज करके कुछ बहुत ही क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक पीसेस बनाने जा रही हूँ। सो या, इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। सो गाइज, दिस इज द पेंट ब्रश। ओ माई गॉड, ये गोयल कंपनी का है। आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस वन। मेरे घर पर रिसेंटली पेंट हुआ था एंड मुझे पेंट ब्रश वहीं से मिला। सो आई विल बी यूजिंग दिस पेंट ब्रश एंड मैं इस पे सांता क्लॉस बनाऊंगी। ओ माई गॉड। एंड ये क्ले है जिसको मैं यूज़ कर रही हूँ एंड मैं सबसे पहले तो मूछें बनाऊंगी सांता की। सो अब मैं बना रही हूँ एक क्यूट टाइनी नोज ऑफ सांता क्लॉस एंड इसको मैं एक फिनिश दूंगी एंड उसके साथ अब मैं डिटेलिंग्स ऐड करूँगी अपने नोज़ की। एंड वंस दैट इज़ डन, अब मैं अपनी बुशी आईब्रोज बनाऊँगी सांता की, उसी के साथ मैं लिप्स बनाऊँगी सांता के। सो सांता की कैप में जो फर होता है उसको भी मैं क्ले से बना रही हूँ एंड ब्रश का जो पीछे वाला पार्ट होता है ना उससे मैं उस पर टेक्सचर्स क्रिएट कर रही हूँ। एंड सिमिलरली मैंने मूछों पे भी एक शार्प ऑब्जेक्ट की हेल्प से कुछ टेक्सचर्स क्रिएट करे हैं। आई एम लविंग इट गाइज, मैंने जो विजुअलाइज किया था ये उससे तो बेटर लग रहा है। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट टू बी। एंड जब मेरा क्ले ड्राई हो जाएगा उसके ऊपर मैं वाइट एक्रेलिक पेंट से एक कोट ऐड कर दूँगी एंड या दिस इज़ हाउ इट विल लुक। एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर छोटी छोटी डिटेल्स जो भी एरियाज हैं वहाँ पे भी वाइट कलर से एक कोट कर दूँ। एंड वंस माय फर्स्ट कोट ऑफ वाइट एक्रेलिक पेंट इज़ डन, मैं स्किन कलर के साथ अपने सांता के फेस को एंड सारे स्किन एरिया को कवर कर दूँगी। सो मैं ट्राई करूँगी कि हर एंड्स में अच्छे से वो हो जाए बिकॉज जो वो ब्लैक पार्ट रह जाता है ना मुझे वो पर्सनली बहुत गंदा लगता है। सो वहीं पे ही मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट को थोड़ा ऐड करके अब मैं शैडोज क्रिएट करूँगी एंड वंस दैट इज़ डन, ये थोड़ा धक धक वाला पार्ट आ चुका है विच इज़ मेकिंग द आईज। एंड आईज सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है बिकॉज उसको थोड़ा सिमेट्रिकल बनाना पड़ता है एंड मुझे सबसे ज़्यादा टफ आईज ही लगती है ह्यूमन फेस में। सो आई विल डू दैट एंड या, अब मेरा ये फाइनली फेस कंप्लीट हो गया है तो अब मैं सांता का कैप बना रही हूँ एंड उसके लिए मैं एक रेड कलर का रेगुलर क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ एंड उसको मैं ट्रायंगल की शेप देके जो ब्रश का मेरा हैंडल होता है ना उसको कवर कर दूँगी। सो या, दिस इज हाउ इट लुक्स गाइज, इट लुक्स ब्यूटिफुल। सो गाइज, अब मैं ले रही हूँ एक पुराना बेकार सा नॉट सो गुड लुकिंग कप जो कि मेरे घर पे पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से एंड इस पे भी मैं एक स्नो मैन बनाने वाली हूँ। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वन। एंड मैंने सबसे पहले तो क्ले की एक बॉल बना दिया है, उसे प्लेस कर दिया है एंड उसके बाद मैं एक छोटू सा बीक बना रही हूँ एंड उसके बाद वंस इट गेट्स ड्राइड मैं वाइट एक्रेलिक पेंट से पूरा कवर करूँगी एंड इसके बाद डिटेलिंग्स स्टार्ट कर दूँगी। ऑल्सो गाइज, गिविंग यू अ क्विक बैकग्राउंड, मैं उस टाइप की इंसान हूँ जो कभी भी कुछ फेंकने नहीं देती हूँ घर पे बिकॉज मैं हमेशा सोचती हूँ मैं इसे कहीं तो यूटिलाइज़ कर लूँगी, मैं कहीं ना कहीं तो इसको you know, अपने आर्ट वर्क में यूज़ कर लूँगी। सो ये चीज़ें कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा काम आ जाती हैं एंड मैं वापस से रेड क्लॉथ की हेल्प से इसमें डिटेलिंग्स ऐड करूँगी। लुक एट दिस गाइस, ये स्नो मैन कितना क्यूट लग रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, जब मैंने विजुअलाइज़ किया था इसे आई वॉज अ बिट एक्साइटेड बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि ये लगेगा कैसे बिकॉज इट वॉज़ ऑल ऑन माई माइंड, मैंने किया नहीं था इसको ट्राई इस वीडियो में करने से पहले। एंड लास्टली गाइज, अपने जो भी आर्ट पीस उस पर वार्निश लगाना मत भूलना बिकॉज मोस्टली लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है बाद में जाके ये पेंट निकलना शुरू कर देता है, बट अगर आप इसमें वार्निश लगाओगे तो आप समझ लो कि जो भी हमने बनाया वो हमेशा परमानेंटली रहेगा। ओके गाइज, सो कॉमेंट डाउन बिलो आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर लगा।
एंड या इफ यू हैव टाइम प्लीज इसको ट्राई भी करना एंड डू टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज शिवांगी डॉट्सा. आई वुड लव टू सी योर रिक्रिएटेड पीसेस. थैंक यू.